जी, आपके बसोली के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नजदीक एक पार्क बनाया गया है म्युनिसिपल कमेटी द्वारा। जी 6 महीने का समय बीता है और उस पार्क की मशीनरी जो है वो खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है और मशीनरी जो है वो उखड़ भी रही है, क्या कहेंगे? आशीष जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने भी ये पार्क का प्रपोजल आया, बहुत ही अच्छी सोच थी बच्चों को लेकर कि बच्चों के लिए एक पार्क बनना चाहिए, और वो पार्क वार्ड नंबर 12 में नियर बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया। मगर अफसोस इस चीज़ को देख के हो रहा है, जैसे कि आज मैं खुद वहाँ पे गया था और मैंने देखा कि उस पार्क में पहली बरसात हुई है, अभी पूरी तरह से बरसात हुई भी नहीं है, शुरू बात है। और शुरू में ही पार्क में जो बच्चों के लिए जो मशीनरी लगाई गई है, वो मशीनरी आज ही अपने जहाँ पे वो स्टैंड की गई थी वहाँ से वो गिर चुकी है। मैक्सिमम मशीनरी टेढ़ी हो चुकी है बरसात की वजह से, और जिससे लगता है कि उस जो मशीनरी के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो लो क्वालिटी का था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मिली भगत से ये काम हुआ है। और अफसोस है कि बच्चों के लिए जो पार्क बनाया जा रहा है उस पे पूरी क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया गया। जिस भी ठेकेदार ने इस काम को किया है उसने बहुत ही बुरा काम किया है। आप देख सकते हैं, अगर आपने वहाँ पे विजिट किया होगा तो आप देखेंगे कि आप जाए, जो भी लोहा वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है उस लोहे में जंग लगी हुई है, जिससे शक होता है कि पुराना लोहा वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, यहाँ की पुराने लोहे को लेकर जो मशीनरी बनाई गई है या कहीं से उठाकर उसको लाया गया और पेंट किया है, और वहाँ पे आके बसोली में उसको यहाँ पे लगा दिया गया है। मगर अफसोस इस चीज़ का है, सोच में ये बात आती है कि हमारे बच्चों के लिए जो पार्क बना है, हमारा सबका, पूरे बसोली वासियों का ये फर्ज बनता है कि हम उसकी क्वालिटी को देखें। हमारे जो मौजूदा एडीसी हैं जिनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी है, हम सब जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उन्हें भी स्पेशली वहाँ पार्क में विजिट करना चाहिए और जाके देखना चाहिए कि किस तरह के हालात हैं पार्क में, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही वो पार्क शुरू हुआ है और आपने देखा कि किस तरह से पार्क की जो मशीनरी है वो ढह गई है एक बरसात से ही, जहाँ की मुझे लगता है उसकी जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का है, और उसके साथ ही जो भी मशीनरी वहाँ पे यूज़ की गई है उसमें अभी से ही जंग लगी हुई है, जबकि अभी कुछ ही दिनों उसको लगाए हुए वहाँ पे हुए हैं, और सामने सामने दिख रहा है कि वो मशीनरी आज की नहीं, वो पुरानी मशीनरी है जो यहाँ वहाँ पे इंस्टॉल की गई है, और जो मशीनरी वहाँ पे इंस्टॉल हुई है वो उसको जंग लगी हुई है। मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से माननीय एडीसी महोदय जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया ये जो अभी जो मसला बना हुआ है इस पर थोड़ा सा एक्शन लिया जाए और गंभीरता से देखा जाए इस मशीनरी को, क्योंकि ये हमारे बच्चों के हेल्थ का सवाल है। हमारे बच्चों ने वहाँ पे खेलने जाना है, कोई भी हादसा हो सकता है बच्चों के, बच्चे बहुत ही नाजुक हैं, हमारे बच्चे भी वहाँ पे खेलेंगे, आपके बच्चे भी खेलेंगे, और कोई भी हादसा वहाँ पे हो सकता है। इन हादसों से बच्चा अपने बच्चों को बचाने के लिए, इन हादसों को टालने के लिए हमें इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं फिर से एक बार ये कहना चाहूँगा कि माननीय एडीसी महोदय वहाँ पे खुद जाएं, विजिट करें और जाकर उस ग्राउंड का, उस पार्क का हाल देखें। और जी क्या देखते हैं, अगर वहाँ कोई हादसा होता है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार? डिपार्टमेंट है, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ईओ साहब हैं, उनको देखना फर्ज है इसका कि जब उन्होंने ये हैंड ओवर किया है ठेकेदार ने, तो उनका देखना फर्ज था कि जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है, जो मशीनरी लगाई गई है वो सही है या नहीं है। एज ए नेशनल ह्यूमन राइट्स मेंबर मैं रिक्वेस्ट करता हूं ईओ साहब से भी कि आप वहां पे जाएं और जाके रॉ मटेरियल चेक करें, जो मशीनरी वहां पे लगी है उसको चेक करें कि इतनी जल्दी उस मशीनरी पे गाली कैसे लग गई है, वो मशीनरी इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई। तो ईओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जाएं और जाके वहां उस पार्क का निरीक्षण करें और चेक करें कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। पूरी उम्मीद है कि एडीसी महोदय जरूर जाएंगे और जरूर जाके इस पार्क में विजिट करेंगे, और जिस भी ठेकेदार ने इस कार्य को किया है उस पर जरूर एक्शन होगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों के बच्चों का क्या सवाल है, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ पार्क है और स्पेशल ये बच्चों के लिए बनाया गया पार्क है। बहुत ही अच्छी सोच थी, परंतु इस सोच पे
जिस ठेकेदार ने भी इसको काम को किया है बहुत ही गलत तरीके से किया है। दो चीजें हैं, एक तो म्यूनिसिपल कमेटी के पास जितना भी पैसा आता है या तो वो पूरा का पूरा लगा देते हैं, मेंटेनेंस का कोई हिसाब नहीं है। आप किसी भी पार्क को देख लीजिए, इसके अलावा भी जो बाकी है, आपको अगर होगा तो कल चलोगे मेरे साथ तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे ही हालात तो उसके भी, हम परसों गए थे वहां पे, परसों उसकी जो हालत देखी है हम लोगों ने वो थोड़ी सी दयनीय है। वहाँ पे जो जिस तरह के उन्होंने सिस्टम इंस्टॉल करे हैं उनको भी एक बार, मेरा गुजारिश तो प्रशासन से यही रहेगा कि उसको एक बार देखा जाए, एक बात। और दूसरी बात ये कि उसकी मेंटेनेंस कब होनी है और कितनी देर के बाद होनी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम हैं बसोली में। पहले तो ऐसा प्रचलन ही नहीं था, यह बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि एक पार्क को वहाँ पे बनाया जाए, पर उसके बाद उसका रखरखाव भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो झूले लगे हैं वो बच्चों के लिए लगे हैं। कल को कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसका जिम्मेदार सीधा सीधा म्युनिसिपल कमेटी होगी।